Assalamu alaikum everyone. The topic we are going to discuss is the last topic of uninformed search, which is uniform cost search. So let's start with uniform cost search. So uniform cost search का जो main idea है वो slightly different है. इससे पहले हमने जितनी भी search techniques देखी, either we are talking about breadth first search or depth first search or iterative deepening search. तो डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस इज द आइडिया इज दैट नाइदर ब्रेथ फर्स्ट सर्च नॉट डेप्थ फर्स्ट सर्च नॉट आइटरेटिव डीपनिंग सर्च टेक इन टू अकाउंट द एक्चुअल पाथ कॉस्ट. इनमें से कोई भी किसी की भी मैं अगर बात करूँ तो वो एक्चुअल पाथ कॉस्ट की बात नहीं करता था. वो हमेशा बात करते थे शेलोएस्ट सोल्यूशन की. वो हमेशा कंसिडर करते थे कि मैं अपने सोल्यूशन तक पहुँच जाऊँ किसी भी एक्शन को देखते हुए कि मैं क्या एक्शन लूंगा, मगर वो ये नहीं देखते थे कि मैं किस तरह अपने सोल्यूशन तक चीपेस्ट सोल्यूशन के तक पहुंचूं. वो उसमें से कोई भी कॉस्ट को कंसीडर नहीं करता था. ठीक है, सो यहाँ जब मैं यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च की बात करती हूँ तो इट्स मॉडिफाइज बी एफ एस बाय प्रायोरिटाइजिंग द कॉस्ट नॉट डेप्थ. ठीक है ना, जब मैं बी एफ एस की बात करती हूँ तो बस मैं आगे बढ़ती जाती हूँ डेप्थ वाइज, और मैं डेप्थ वाइज आगे बढ़ते बढ़ते अपना एट द एंड अपने गोल तक पहुंच जाती हूँ. ठीक है, बट ये नहीं देखती कि मैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए ऐसा कौन सा रास्ता चूज करूं जिसकी कॉस्ट कम हो. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अपने सोल्यूशन की जो कि चीपेस्ट होगा ना कि शेलोएस्ट हो. राइट, सो फॉर इंस्टेंस इफ आई पुट एन एग्जांपल ओवर हेयर, फॉर इंस्टेंस मुझे कराची से लाहौर जाना. ठीक है, अगर मुझे कराची से लाहौर जाना है तो आइदर आई टॉक अबाउट बी एफ एस और डी एफ एस, तो वो मुझे क्या बताएंगे, दोनों एल्गोरिदम्स मुझसे कहेंगे कि अच्छा भाई कराची से लाहौर का फॉर इंस्टेंस अगर कोई मोटरवे है और उस मोटरवे से कराची से लाहौर का रास्ता है 1200 किलोमीटर्स, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, ये 1200 किलोमीटर्स है, तो आप ऐसा करें कराची से लाहौर चले जाएं बाय यूजिंग अ सिंगल नोड, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा क्योंकि एक सिंगल नोड है तो दिस इज द शेलोएस्ट सोल्यूशन, इससे वो पहुंच जाएंगे. वो ये नहीं देखेंगे कि क्या ये इससे कम कोई रास्ता मेरे पास है. बट जब मैं बात करूंगी यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च की तो ये देखेगा कि वो कम से कम स्टॉप्स की जगह वो ये देखे कि वो ऐसा सोल्यूशन दे वो जो एक्सपेंसिव ना हो. यानी वो ये देखेगा कि अगर मैं कराची से हैदराबाद जाऊं और हैदराबाद से कुछ एक दो सिटीज को ट्रेवर्स करती हुई फिर लाहौर तक पहुंचूं तो हो सकता है मुझे 1200 किलोमीटर्स की जगह 1000 किलोमीटर्स लग रहे हो, तो ये चीपेस्ट है और ये शेलोएस्ट. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन शेलोएस्ट कि आप कम से कम नोड्स को ट्रेवर्स करते हुए पहुंच जाए, और दिस इज समथिंग विच इज द आइडिया ऑफ चीपेस्ट कि आप कितनी भी नोड्स को ट्रेवल करें मगर आपका पेट्रोल बचे आपकी कॉस्ट बचे. ठीक है, सो ये मेन आइडिया है जिसपे यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च काम करता है. सो लेट्स सी द एल्गोरिथम. द ओनली डिफरेंस यू फाउंड हेयर इज एज यू कैन सी कि आप अब जो फ्रंटियर में डाल रहे हो ना वो ये नहीं डाल रहे कि जो सबसे पहले मिले आपको वो आप जस्ट डाल दें, ब्रेथ फर्स्ट सर्च को करते हुए डाल दें कि आपको वो नोड मिले जो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स को आप देखें अपने सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए. अब आप बात कर रहे हैं हीप डॉट न्यू इनिशियल स्टेट की, कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि वो कौन सी नोड है जो मुझे कम से कम कॉस्ट में मेरे सोल्यूशन की तरफ लेके जा रही है. ठीक है, एंड अनदर डिफरेंस यू फाउंड हियर इज कि आप नेबर्स को जो फ्रंटियर में डाल रहे हैं बाय यूजिंग डिक्रीज की डाल रहे हैं. ठीक है, डिक्रीज की का जो एल्गोरिदम है ये बेसिकली हीप सॉर्ट, अगर आप पढ़ें, आई एम अज्यूमिंग कि आपने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स पढ़ा हुआ है, आपने दूसरे ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं जो इसके प्रीरेक्स हैं जिसमें हीप सॉर्ट का कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है. ठीक है, तो यहाँ हमारी सर्च जो है वो ब्लाइंड नहीं रही है. ठीक है, यहाँ हमारी सर्च ब्लाइंड तो है, इनफैक्ट हमारी सर्च ब्लाइंड तो है, बट यहाँ हम ये जरूर देख रहे हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है वो हमारे पेट्रोल को किस तरह से हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, अपने पेट्रोल को कैसे सेव करेंगे. हम यहाँ पे ये नहीं देख रहे कि बस हमें शेलोएस्ट सोल्यूशन मिल जाए, हमें अपना सोल्यूशन तक बस पहुँचना है किसी भी रूट को फॉलो करते हुए. यहाँ हम ये देख रहे हैं कि हम अपने सोल्यूशन तक पहुँचें बट वो कौन सा बेस्ट तरीका है जिससे हमारा कॉस्ट बचे, जैसे हमारा पेट्रोल बचे, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, हमारा चीपेस्ट सोल्यूशन कौन सा है. सो समटाइम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चीपेस्ट सोल्यूशन चाहिए होता है ना कि हमें शेलोएस्ट सोल्यूशन चाहिए. लेट्स सी एन एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल देखते हैं. ओके, अब जैसे कराची से मुझे हैदराबाद जाना है और उसके बाद सो एंड सो ऑन, फॉर इंस्टेंस इसमें मैं अपनी इनिशियल नोड सेलेक्ट कर लेती हूँ, ये मेरी इनिशियल नोड है और ये मेरी गोल स्टेट है सखर. सखर तक मुझे पहुँचना है. अगर मैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च को यूज करूँ, कि अगर मैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च को यूज करूं तो वो मुझसे कहेगा कि अगर आपको सखर तक जाना है तो आप सखर तक ऐसे आएंगे कि पहले आप कराची पे आए,
फिर कराची से दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक आपकी हैदराबाद है, एक आपका है खुजदार, ठीक है। और फिर खुजदार से आगे आप आ जाते हैं सक्खर पे, तो वो मुझे ये मेरा सोल्यूशन दे देगा, ठीक है। और हैदरा कराची से खुजदार की कॉस्ट मेरे पास है 390, और खुजदार से सक्खर की कॉस्ट मेरे पास है 324, ठीक है। तो ये मेरा वो सोल्यूशन आ जाएगा जिसमें टोटल मुझे जो किलोमीटर्स मेरे लगेंगे वो लगेंगे 714। अब ये 714 जरा जहन में रखिएगा कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च से जो मेरा टाइम, मेरा टोटल किलोमीटरेज लगी है, जो मेरा टोटल पेट्रोल लगा इसमें, वो कितनी किलोमीटर पे लगा? 714। तो ऑब्वियसली इसी हिसाब से मेरा पेट्रोल लगेगा। व्हाट इफ जब मैं अब बात करने जा रही हूँ एक्चुअली यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च की, कि वो कैसे काम करेगा यूनिफॉर्म सर्च कॉस्ट सर्च, कुछ इस तरह से काम करेगा कि लेट मी एनोटेटेड, सबसे पहले तो वो बात करेगा कराची की, ठीक है। ये आ गया मेरा कराची, ठीक है। कराची से फिर मैं आगे मूव करती हूँ। कराची से जब मैं मूव करूंगी तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो है हैदराबाद और दूसरा है खुजदार, ठीक है। जब मैं हैदराबाद आती हूँ तो उसका डिस्टेंस है 164, और जब मैं खुजदार जाती हूँ तो उसका डिस्टेंस है 390। अब यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च कंपेयर करेगा ये कॉस्ट कम है या ये कॉस्ट कम है, तो इन दोनों में से कौन सी कॉस्ट कम है? हैदराबाद वाले की। तो वह कहेगा आप हैदराबाद को एक्सप्लोर करें जिसकी कॉस्ट कम है, तो हैदराबाद को मैंने एक्सप्लोर कर दिया। हैदराबाद से अब मेरे पास एक ऑप्शन आता है, एक ही ऑप्शन है जो कि है 64 किलोमीटर का, और वो है उससे मैं पहुंच रही हूँ हाला। अब वो हाला वाली कॉस्ट को फिर से कंपेयर करेगा 390, 64 वाली कॉस्ट कम है, ठीक है। तो यहाँ एक्चुअली 64 आपके पास मेंशन है, मगर वो एक्चुअली हो जाएगा 64 प्लस 164, उसके बाद कंपैरिजन होगा। 164 प्लस 64 इज 228, तो 228 को जब मैं 390 से कंपेयर करूंगी तो 200 इज लेसर, तो अभी भी मैं हाला ही एक्सप्लोर करूंगी। जब मैंने हाला एक्सप्लोर करा मजीद तो मैं पहुंचूंगी मोरो पे, ठीक है। ये मैं आ जाऊंगी उसके बाद मोरो पे। मोरो हाला से मोरो की कॉस्ट 114 है, और इससे पहले जो ट्रेवर्स हो चुका है वो है 228, तो वेन आई एड 228 विद 14 सो आई विल गेट 342। अगेन ये 342 जब मैं खुजदार से कंपेयर करूंगी तो इट्स कॉस्ट इज 390, 390 स्टिल ज्यादा है, तो मैं अभी भी मोरो को ही मजीद एक्सप्लोर करूंगी। वेन आई एक्सप्लोर मोरो मोर देन आई गेट विथ सक्कर, एंड द कॉस्ट ऑफ रीचिंग टू सक्कर इज 160 प्लस 342 विच इज 504, राइट। अब अगर 502, अगर मैं 502 को 390 से कंपेयर करूँ तो 390 लेसर है, तो अब मैं खुजदार को एक्सप्लोर करती हूँ। खुजदार को जब मैं एक्सप्लोर करूंगी तो इवेंचुअली आई विल गेट सक्खर, ठीक है। 324 प्लस 390 इज 614, तो अगर आप कंपेयर करें तो 600 किलोमीटर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 502 किलोमीटर, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरा जो पाथ मिला वो ये मिला कि मैं कराची से खुजदार और डायरेक्ट सक्खर ना जाऊं, मैं पहले कराची से हैदराबाद जाऊं, फिर हाला, फिर मोरो, देन इवेंचुअली आई रीच सक्खर विद लेसर किलोमीटरेज विच इज 502, राइट। तो दिस इज द सोल्यूशन जो कि आपको यूसीएस देगा कि पहले आप कराची से हैदराबाद जाएं, फिर हाला, फिर मोरो, फिर सक्खर। तो अब जो आपका सोल्यूशन होगा वो चीपर होगा, और वो क्या आ रहा था? वो आ रहा था मेरा 502 किलोमीटर, राइट। अदरवाइज अगर मैं इस तरह से जाऊंगी कि पहले कराची से खुजदार फिर सक्कर, तो उसका डिस्टेंस मेरा आ रहा था 614, जो कि ज्यादा है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग कि आप अपने सोल्यूशन तक पहुंच रहे हैं, और आपका सोल्यूशन अब चीपेस्ट नहीं है। अब आपका सोल्यूशन कैसा है? अब आपका सोल्यूशन है शेलवर्थ, नहीं है, चीपेस्ट है, राइट। सो आफ्टर दिस हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है बाय डायरेक्शनल, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है बाय डायरेक्शनल सर्चेस का, जिस पे बात करने से पहले लेट मी टॉक अबाउट सम मोर थिंग्स अबाउट दिस यूसीएस। सो ये यूसीएस कंप्लीट है अगर मेरी कॉस्ट फाइनाइट है। इसका टाइम मैं सपोज करूंगी कि अगर सी स्टैटिक मेरी कॉस्ट ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन है, तो मेरा हर एक्शन में एटलीस्ट जो बाउंड है कॉस्ट का वो एप्साइलन है, तो जो मेरा इफेक्टिव डेप्थ होगी वो रफली सी स्टैटिक डिवाइडेड बाय एप्साइलन होगी, कि मैं अपने ऑप्टिमल सोल्यूशन को डिवाइड कर दूंगी उस डेप्थ से, जो कि बेसिकली है क्या, किससे डिवाइड कर दूंगी, सॉरी, एवरी एक्शन, ठीक है, हर एक्शन की एटलीस्ट जो बाउंड ऑफ द कॉस्ट होगी उससे डिवाइड कर दूंगी, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितना डीप जाके अपना सोल्यूशन मिलेगा। अब इसका प्रूफ में अभी हम नहीं जाएंगे, वी विल टॉक अबाउट द प्रूफ इन द नेक्स्ट कमिंग डिस्कशंस।
ओके, इफ आई टॉक अबाउट द सर्च स्पेस, देन जितनी भी मेरी नंबर ऑफ नोड्स हैं विद जी, तो वो मेरी ऑप्टिमल सोल्यूशन से डायरेक्टली रिलेट करेंगी, विच इज ब्रेथ सी स्टार डिवाइड बाय एप्सिलॉन. इट इज ऑप्टिमल, इट इज ऑप्टिमल, क्योंकि वंस अगर आपकी कॉस्ट फाइनाइट है तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा. इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो फीफो नहीं है, वो लीफो नहीं है, वो हीप है. एंड हीप को अगर मैं रफली आपको एक्सप्लेन करूँ तो हीप इट्स एक्चुअली व्हेन वी टॉक अबाउट प्रायोरिटी क्यू, जब भी हम प्रायोरिटी ऐसी क्यू की बात करते हैं जो प्रायोरिटी पे बेस करती है, तो वहाँ हम हीप की बात करते हैं. मतलब इसमें मैंने ब्रेथ फर्स्ट सर्च को मॉडिफाई कर दिया. ठीक है, देन वी हैव फाइनली द आइडिया ऑफ बाई डायरेक्शनल सर्चेस. बाई डायरेक्शनल सर्चेस में हम जब हम बाई डायरेक्शनल सर्चेस की बात करते हैं, तो उससे पहले आपकी यूसीएस को लेते भी अगर आप चलें, तो यूसीएस में आपको पता है एक डिसएडवांटेज, पहले हम यूसीएस का डिस्कस करेंगे देन हम डायरेक्शनल सर्चेस पे आते हैं. यूसीएस में अगर मैं देखूँ तो मैं अपनी इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करती हूँ. ठीक है, इनिशियल स्टेट से मैं स्टार्ट करते करते आगे बढ़ती हूँ, आगे बढ़ती हूँ, और देन ईच एंड एवरी नोड को मैं ट्रेवर्स करते हुए जो भी चीपेस्ट मुझे सोल्यूशन की तरफ लेके जा रही है, जिसका भी लोएस्ट कॉस्ट है, उसको मैं देखते देखते आगे बढ़ती हूँ, और एट द एंड मैं अपनी गोल तक पहुंच जाती हूँ. सो इन इन दिस आई विल आई ऑलवेज मूव इन टू कंटिन्यूस इन विद द यू नो कॉन्टोरिंग नोड्स, एंड आई कीप मूविंग एंड एक्सप्लोर द नोड्स विद द लोएस्ट कॉस्ट. सो आई आई डू दिस सो एंड सो ऑन टिल आई फाउंड द गोल. ठीक है, तो ये मुझे करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ गोल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि गोल हमें कहाँ मिलेगा. तो वी नीड टू मूव इन एवरी डायरेक्शन. तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूसीएस, कि हमें हर डायरेक्शन में मूव करना है, क्योंकि हमें एक्चुअली पता नहीं है हमारा गोल है कहाँ. तो ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज है यूसीएस का. ठीक है, सो आफ्टर दैट फाइनली वी गोना टॉक अबाउट बाई डायरेक्शनल सर्चेस. बाई डायरेक्शनल का कॉन्सेप्ट ये है कि हेयर वी नो द इनिशियल स्टेट, हेयर वी नो द गोल स्टेट, और हम इनिशियल स्टेट से मूव करते हैं गोल स्टेट की तरफ, और गोल स्टेट से मूव करते हैं इनिशियल स्टेट की तरफ, जहाँ ये दोनों जो है ट्रेवलिंग मीट हो जाए. सो वी थिंक वी कंसिडर दैट एज अ डेस्टिनेशन, एज अ फाइनल मीटअप, एज अ फाइनल सोल्यूशन. राइट, सो दिस इज द आइडिया कि जहां जो मिल जाएगी वहां हमें सोल्यूशन मिल जाएगा. तो जब हम दोनों तरफ से मूव करते हैं, तो हमेशा जरूरी नहीं है कि हम गोल से इनिशियल स्टेट की तरफ मूव कर सकें. राइट, हम इनिशियल स्टेट से तो हमेशा गोल स्टेट की तरफ जा सकते हैं, बट हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम गोल स्टेट से भी इनिशियल स्टेट की तरफ मूव कर सकें, अगर हम समझें इस बात को. अब वो कैसे होता है कि देखें, कभी आपको जैसे कहीं यू नीड टू रीच समवेयर अर्लियर, है ना, आपको कहीं जल्दी पहुंचना है. अब ये आपका घर है या आपके फ्रेंड का घर है, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, कि ऐसा होता है रियल वर्ल्ड में, ये इतना ज्यादा नहीं होता बट ये होता है कि अब आपको कहीं पहुंचना है. ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड के घर जाएं, वहां से उसको पिक करें, फिर यहाँ पहुंचे. इसके अलावा क्या अप्रोच है कि आप भी अपने घर से निकल जाएं, आपका फ्रेंड भी अपने घर से निकल जाए, जहां आप दोनों मिल जाएं वहां से फिर आगे बढ़े. ठीक है, तो ये क्या है कि आपको पता है ये आपका गोल है, लेकिन ये आपका फाइनल गोल नहीं है, ये इंटरमीडिएट गोल है. तो वहां उस गोल से आप किसी इंटरमीडिएट सोल्यूशन की तरफ पहुंचे, जिसके बाद आप अपने फाइनल सोल्यूशन की तरफ चले जाएं. ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, सर्च फास्ट हो गई. ठीक है, काम फास्ट हो गया. तो दिस इज द आइडिया ऑफ बाई डायरेक्शनल सर्च. बट इसके साथ प्रॉब्लम्स हैं ऑब्वियसली, जैसे कि मैंने अभी कहा कि सारे ऑपरेटर्स हमेशा रिवर्सिबल नहीं होते हैं, हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपने गोल से इनिशियल स्टेट की तरफ पहुंच जाएं. जैसे कि आपको पता है कि जैसे हम अगर चेकमेट की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रीडिसेसर्स ऑफ द चेकमेट इन अ चेस, सो देयर मस्ट बी एन एफिशिएंट वे टू चेक इफ अ न्यू नोड ऑलरेडी अपीयर्स इन द सर्च ट्री ऑफ द अदर हाफ ऑफ द सर्च. तो आपको पता होना चाहिए कि आप सही भी कर रहे हैं या नहीं, ये पॉसिबल ही भी है या नहीं, हम क्या सर्च, किस तरह की सर्च को चूज करें हर तरह की डायरेक्शन के लिए. जरूरी नहीं है कि हर वक्त हर तरह की डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो. राइट, तो दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ सब काइंड ऑफ ऑपरेटर्स. इट इज वर्केबल, इट इज ऑब्वियसली वर्केबल एज आई हैव गिवन यू सम एग्जांपल, बट इट्स नॉट के हमेशा पॉसिबल है. ठीक है, हमेशा आप इनिशियल तो गोल की तरफ जा सकते हैं, लेकिन गोल से इनिशियल की तरफ नहीं आ सकते. सो फाइनली 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 वी आर गोइंग टू एंड विद अनइन्फॉर्म सर्चेस, एंड वी आर गोइंग टू कंपेयर ऑफ सम सर्च स्ट्रेटेजीज व्हिच वी हैव डिस्कस सो फार, इन व्हिच वी हैव डिस्कस ब्रेथ फर्स्ट सर्च, वी हैव डिस्कस यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ लिमिटेड सर्च, आइटरेटिव डीपनिंग सर्च, बाय डायरेक्शनल सर्च. तो अगर आप इन सबको कंपेयर करें, तो इनको कंपेयर करने के बाद आप कभी भी ये नहीं कह सकते दैट दिस वन इज द बेस्ट एंड दिस वन इज द वर्स्ट एंड दिस वन इज द गोस्ट एंड दिस वन इज एवरेज. नो, इनकी इनका
गुड और बैड का डिसीजन आप सिर्फ और सिर्फ तब ले सकते हो जब आपको सिनेरियो का पता हो। ये हमेशा सिनेरियो को देखते हुए आप डिसाइड करते हो कि कब हमें किस तरह की सर्च लगानी है या किस तरह की सर्च किस सिनेरियो में अच्छी है या बुरी है। ठीक है, कभी भी आप इनको जनरलाइज नहीं कर सकते कि यही सर्च मेथड सही है या ये खराब है, बहुत खराब है, बहुत अच्छा है। नो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन जहाँ आप कोई भी सर्च लगाओ, कोई भी सर्च इन्फोर्स करें। सो फाइनली दिस इज द एंड ऑफ अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक्स। वी हैव डिस्कवर्ड सम टेक्निक्स लाइक ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ लिमिटेड सर्च, आइटरेटिव डीप सर्च, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। सो फॉर नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस डिस्कशन। इन द नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन्फॉर्म्ड सर्च। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।